आज हम आपको गांव सहुवाला में लेके आए, यहाँ पे मिले हम प्रकाश प्रकाश सिंह जी से जो कि प्रधान है, हमें बताएंगे गांव सहुवाला के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार प्रकाश सिंह जी, मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमें गांव सहुवाला के बारे में बताएं कि गांव सहुवाला जो है पार्टीशन से पहले कैसा था। गांव सहुवाला की जो जमीन है जी, महाराजा पटियाला से खरीदी गई थी और उस समय के बाद अंग्रेजों का जहाँ राज आया था और अंग्रेजी राज के अंदर जहाँ तहसील बनाई गई थी और एक रेस्ट हाउस था, उसके बाद छः तक का एक स्कूल था जहाँ, और जो तहसील बनाई गई थी वो 15 साल पहले ही उसकी इमारत गिराई गई है। और उसके बाद 6 की बजाय जब देश आज़ाद हुआ तो 5 का स्कूल बना, उसके बाद 1978 में लगभग 8 का स्कूल बना, उसके बाद अब 10 का स्कूल है जी। पार्टीशन के बाद कैसा था सहुवाला गांव? पार्टीशन के बाद थोड़ी तरक्की हुई है जितनी होनी चाहिए थी। पहले जैसे जहां तहसील थी उससे आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो तरक्की नहीं हो सकी जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी सहुवाला गांव का नाम सहुवाला कैसे पड़ा? गांव सहुवाला में लोग बाहर से जहां साहू गोत के भैंसे चराने के लिए, अपने पशु चराने के लिए आया करते थे, तो उनके नाम से ही शायद इनका नाम साहू पड़ा है। लेकिन इस गांव में तकरीबन 90% लोग बंगू गोत के हैं जी। तो मैं आपसे प्रकाश सिंह जी जानना चाहूंगी, गांव सहुवाला जो है कितने वर्ष पुराना होगा? लगभग 150 से 200 साल लगभग पुराना गांव है जी। अभी हमारे साथ जुड़े हैं गांव के एक्स सरपंच अंग्रेज सिंह जी, जो हमें बताएंगे गांव के विकास के बारे में। सरकार को लगभग 4 साल हो गए हैं, इस 4 सालों में सरकार द्वारा जो है कितने विकास कार्य किए गए हैं और जो योजनाएं चलाई जा रही है वो कितनी हद तक सही हैं और कितने हद तक काम कर रही है? नमस्कार अंग्रेज सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी गाँव में पहले 4 साल से कितना विकास हुआ है? हमारे गांव के अंदर जी विकास नाम की कोई चीज़ नहीं सरकार की तरफ से। हमारे गांव के अंदर जी हाईवे रोड 4 लेन हुई है, इसका पैसा आया था मेरे टाइम में लगभग 1 करोड़ के लगभग, वो उसी पैसे से गांव के अंदर विकास हुआ है। सरकार के नाम से कोई विकास नहीं हुआ, ना तो कुछ स्कूलों में कमरा डला है, ना कोई और विकास हुआ है, ना कोई किसी गरीब के मकान मिला है। आज तक आप हमारे गांव में पूछो, पूरे गांव में जाके किसी गरीब के एक मकान की ईंट भी नहीं लगी। किस्त तो बड़ी बात है, पूरा मकान तो बड़ी बात है, लेटरिंग के पैसे भी नहीं मिले किसी को। कहते हैं स्वच्छता अभियान करो, हमारे पूरे गाँव में देखोगे एक भी लेटरिंग का पैसा नहीं किसी को मिला और लोगों का बुरा हाल है जी। जैसे सरकार एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, अभी आपने मेरे को बताया कि स्वच्छ भारत के नाम पे उन्हें कुछ भी नहीं मिला है, तो स्वच्छ भारत की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी योजनाएं जो है काम कर रही है अभी तक? जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सरकार का नारा ही बिल्कुल फेल है। मेरे टाइम के अंदर जब मैं सरपंच था, हमारे गांव के अंदर मैंने एक कैंप लगाया था, 1 साल के लिए वो कैंप चला और 25 लड़कियों को सिलाई की मशीनें दिलाई गई, 1 साल का उनका ट्रीटमेंट था, 1 साल बाद उनको 25 मशीनें गरीब की लड़कियों को दिलाई गई। और आज हमारे गांव में किसी लड़की को 10 रुपये का फायदा नहीं मिला, पूरे गाँव में आप जाके पूछ सकते हो जी। किसानों की हम बात करें तो किसान आज बहुत परेशान है, अभी पीछे हमने देखा उन्होंने आंदोलन भी किया, ट्रैक्टर यात्रा भी निकाली, और किसान भाई जो है ये कह रहे हैं कि जिस तरह एक रिटायर्ड ऑफिसर को कुछ तनख्वाह मिलती है, पेंशन मिलती है, उसी तरह किसान भाई को भी मिलनी चाहिए, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या ये सही है? देखो जी, किसान के लिए मैं 2-3 बातें बोल रहा हूँ। एक तो आपने पानी की बोतल लेनी है वो तो अपने को 20 रुपये में मिल रही है, और दूध बेचना है वो 17 रुपये लीटर बिक रहा है, और दूध के ऊपर कितना खर्चा आता है, पानी बिस्लरी करेंगे उसके ऊपर कितना खर्चा आता है, उसका आप टारगेट निकालो। पानी बेचने वाला तो आज फायदे में है और दूध बेचने वाला घाटे में जा रहा है। बाकी मोदी जी बात कह रहे हैं भी हम 2022 में किसान की आय दुगनी कर देंगे, तो दुगनी का मतलब ये भी सोचो आप, 2022 में मोदी जी ये नहीं बताते कि पेट्रोल डीजल का दाम क्या होगा और यूरिया खाद के गट्टे का DAP गट्टे का क्या दाम होगा, तो 22 में बात करेंगे दुगनी की तो इसके 4 गुना रेट बढ़ जाएंगे, उस दुगनी आएगा किसान को क्या फायदा, इसलिए किसान आत्महत्या कर रहे हैं जी। जी, मेरा सवाल ये था आपसे कि किसान भाई कह रहा है कि उन्हें रिटायर्ड ऑफिसर की तरह 8 या 10 हज़ार की जो पेंशन मिलती है, जो उन्हें रिटायर्ड होने के बाद सैलरी के रूप में मिलती है,
है हर महीने, उस तरह किसान भाई को भी मिलनी चाहिए। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि उन्हें मिलनी चाहिए? इस बात से मैं एग्री इसलिए करता हूँ, जिस आदमी के पास 50 एकड़ या उससे फालतू जमीन है उसको बिल्कुल ना मिले। जो किसान 10 एकड़ से कम है या 15 एकड़ से कम है, 5 एकड़ से कम है, 2 एकड़ से कम है, सबको किसान बोलते हैं। 2 एकड़ वाले से लेकर 15 एकड़ तक जमींदार को पेंशन मिलनी चाहिए, और 20 एकड़ जमीन है उसको बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, उसके मैं हक में नहीं हूँ, क्योंकि उसके कारोबारी चलती है। 2 एकड़ वाले के 3 बच्चे हैं और 20 एकड़ वाले के 1 बच्चा है। आज के ज़माने में 2 एकड़ वाला 3 बच्चों को पाल रहा है और 20 एकड़ वाला 1 बच्चे को पाल रहा है, वो स्वस्थता से पालेगा। और 2 एकड़ वाला तो खुदकुशी करेगा, उसके पास बेटी पढ़ाने के लिए, उसकी शादी करने के लिए कितने खर्चे, कुछ नहीं है। इसलिए छोटे किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं। जी, एक समाज में हमारे इधर हरियाणा वाली साइड, पंजाब वाली साइड हम देखते हैं, पहले पंजाब की साइड सुनने में आता था कि नशा बहुत ज्यादा है, लेकिन अब हरियाणा में हर गाँव में, हर घर में, हर शहर के हर घर में भी हम देखते हैं कि नशे के लिए बहुत सरकार भी काम कर रही है, जो हमारा प्रशासन है वो भी काम कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि प्रशासन जो है, सरकार का इसमें है कुछ रोल नशे को लेके? अगर सरकार चाहे ही ये नशा 1 मिनट में बंद हो सकता है। सरकार को इसमें दिलचस्पी नहीं रही, झूठे बयानबाजी कर रहे हैं, मोदी जी के सब चेले हैं ये, झूठे बयान पे बयान, एक से झूठा बयान उसके ऊपर झूठा बयान दे रहे हैं। अगर सरकार चाहे, अगर घर का परिवार का माता पिता चाहे भी मेरे बच्चे को मैंने सही लाइन पे लगाना है, तो वो हमारे मोदी जी माता पिता आज, और माता पिता चाहे सही लाइन पे लगाना, तो पूरे घर को एक दिन के अंदर सुधार सकते हैं। जी, धन्यवाद सर।